యొక్కసో ఇష్యోని కంపారు వెల్కమ్ టు ఇష్యోని కంపారు ये ऑनलाइन जापनीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एन फोर लेसन 28 जो है मिन्नानो निहोंगो बुक रेफर करके, और इस लेसन के आज हम ग्रामर सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट हाजिमे माशो। सो हमारा पहला ग्रामर पैटर्न है वर्ब मास फॉर्म नागारा, यह है नागारा और वर्ब टू। मतलब क्या इसका? तो वाइल ड्यूरिंग द एक्शन इंडिकेट्स बाय वर्ब वन इज परफॉर्मिंग सेपरेट एक्शन वर्ब टू। मतलब ये करते करते ये भी करना। सो एग्जांपल देखते हैं। देनवा ओ शी नागारा उन्तेन शिमास। देनवा, देनवा मतलब फोन पे बात करना, बराबर। फोन पे बात करते करते नागारा क्या कर रहे हैं? ड्राइविंग। उन्तेन, उन्तेन मतलब ड्राइविंग करना। सो फोन पे बात करते करते ड्राइविंग कर रहे हैं, हाँ, ये ऐसे मीनिंग होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ओनगाकु ओ किकी नागारा शोकुची शिमास। ओनगाकु मतलब म्यूजिक और किकी मतलब सुनना। तो म्यूजिक सुनते सुनते शोकुजी मतलब खाना खाना। सो आई एम लिसनिंग म्यूजिक वाइल ईटिंग, ऐसे उसका मीनिंग होता है। सो इजी है ना? नागारा, नागारा मतलब दो एक्शन, लेकिन पहले एक्शन के साथ हम दूसरी एक्शन करते हैं तब हम नागारा, वाइल ये करते करते ये भी करना, वैसे फॉर्म है। सो इजी है। नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न है हमारा वर्ब ते फॉर्म इमास। मतलब वर्ब का ते फॉर्म और इमास, इमास मतलब डूइंग है ना। मीनिंग क्या है इसका? इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ हैबिचुअल बिहेवियर। मतलब जो हम डेली कुछ एक्शन करते हैं तब हम वर्ब का ते फॉर्म करके इमास करेंगे, यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। इत्सुमो जितेंशा ते कायोते इमास। इत्सुमो मतलब ऑलवेज, हमेशा। क्या करता हूँ मैं? जितेंशा मतलब बाइसिकल राइड करता हूँ, चलाता हूँ, है ना। आई ऑलवेज गो बाय बाइसिकल, हमेशा मैं साइकिल चलाता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। यासुमी नो ही वा ए ओ काइते इमास। देखो ए ओ काइते इमास, यहाँ देखो काई मास का मास्कट ते और इमास मतलब ड्राइंग करना। ए ओ काइते इमास का मीनिंग होता है ड्राइंग करना, लेकिन मैं ड्राइंग कब करता हूँ? सो यासुमी नो ही मतलब छुट्टी के दिन। सो आई ड्रॉ पिक्चर ऑन माय डे ऑफ, मतलब छुट्टी के दिन ड्राइंग करता हूँ। सो आपने देखा होगा कि हैबिचुअल बिहेवियर मतलब कैसे होता है कि हम कुछ हमें रीजन मिलता है उस पे हम कुछ एक्शन करते हैं तब हम वर्ब का ते फॉर्म लगाएंगे और ई मास, क्योंकि हम वो कर रहे हैं डूइंग ना। सो वैसे ये पैटर्न है, ये भी इजी है टू अंडरस्टैंड। यस, मूविंग टू नेक्स्ट थर्ड पैटर्न है हमारा प्लेन फॉर्म शी एंड प्लेन फॉर्म शी। क्या मीनिंग है इस? इट इज व्हेन मेंशनिंग टू और मोर सिमिलर थिंग्स वन आफ्टर द अदर अबाउट द टॉपिक। मतलब एक किसी टॉपिक के बारे में हम दो तीन चीजें बताते हैं, है ना, उस हिसाब से हम शी का यूज, प्लेन फॉर्म और शी यूज होता है। जैसे पैटर्न कैसा है देखो, नाउन मो मतलब नाउन रहेगा उस पे मो आएगा, और अगर ई एडजेक्टिव है तो वो प्लेन और शी आएगा, अगर वो ना एडजेक्टिव है तो क्या आएगा? दाशी। सो पहले हम शी का देखते हैं। अभी यहाँ देखो लिखा है कि मो पैटर्न भी यूज होते हैं, बट सोरेनी भी यूज होता है। इट्स ऑल्सो यूज टू मेक दिस मीनिंग क्लियरली, ये भी करते हैं, ऐसे हम कहते हैं ना। वैसे देखो एग्जाम्पल, सुजुकी सान वा
पियानो मो हिके रोशी, उता मो उताए रोशी, डांसो मो देखी मस। देखो सुजुकी जो है वो क्या है, पियानो भी बजाती है, गाना भी गाती है, डांस भी करती है ना। जैसे हम मेरे को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, हमारी वाक्य रचना जैसे हिंदी की है वैसे ही सेम हमारी जापनीज में भी है ना। आसान कितना इजी है देखो सेंटेंस कि यह भी प्लेन ये एडजेक्टिव है ना, इसीलिए यहाँ शी लगा हुआ है। और सोरेनी भी आ सकता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में। सेम वही पैटर्न बट हमारा अभी द एडजेक्टिव में रहेगा एग्जाम्पल। देखते हैं क्या लिखा है। तनाका सानवा माजी में दाशी, बरोबर। देखो दाशी क्यों आया है, क्योंकि ये जो है ये क्या है, नाउन है और ना एडजेक्टिव है ना। दैट्स व्हाई इट्स रिटन विद दाशी। चूकोकु गो मो जोजू दाशी, सोरेनी केइकेन मो अरिमास। केइकेन मतलब एक्सपीरियंस भी है, अरिमास है। देखो अभी तनाका सान जो है वो माजी में दाशी, माजी में मतलब एकदम सिंसियर पर्सन के लिए यूज होता है। सो वो कौन है, वो बहुत सीरियस सिंसियर व्यक्ति भी है। और ये क्या है, चूगो कुगो मतलब जापनी चाइनीज भाषा में भी एक्सपर्ट, जोजू एक्सपर्ट। एंड सोरेनी मतलब ये उसके साथ भी एक उनको अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है। सो भी के लिए मो, तो को सोरो सोरेनी भी है और मो भी है। हाँ कैसे यूज होता है, देखो मो के साथ सोरेनी भी आता है, ऐसे मत सोचना कि मो आया तो सोरेनी नहीं आएगा। सो वी कैन यूज। नाउ हमारा थर्ड ग्रामर पैटर्न है प्लेन फॉर्म शी। प्लेन फॉर्म शी मीनिंग क्या है इसका, देखेंगे। इट इज यूज टू एक्सप्रेस एंड व्हेन वी वांट टू मेंशन मल्टीपल थिंग्स अबाउट टॉपिक एंड आल्सो सजेस्ट दैट देर इज मोर, है ना। ये यही नहीं, ये भी तो ऐसे जब हम कहते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, इतना ही नहीं इतना भी, ऐसे हम जो वाक्य होते हैं हमारे हिंदी के सेम वैसे ही वाक्य जापनीज में भी होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को यूज करते वक्त हम शी पैटर्न यूज होता है। मतलब ये जैसे देखो रीजन शी मतलब ये भी है, ये भी है और ये भी है और ऐसा। सो नॉट ओनली बट ऑल्सो, इतना ही नहीं और इतना भी है। जैसे एग्जाम्पल कोनो मी सेवा यासुईशी, शिनामोनो मो ओईशी, इत्सु मो कोको दो, कोको दे काई काईमोनो शित्तेइमास। मतलब ये देखो कोनो मी से मतलब ये शॉप में, यासुईशी मतलब क्या सस्ता सस्ता है, एंड शिनामोनो ओइशी मतलब बहुत सारे थिंग्स है और हमेशा ये शॉप पे मैं शॉपिंग करता हूँ। इसका मतलब होता है कि इसीलिए या इस वजह से मैं यहाँ हमेशा शॉपिंग करता हूँ। सो पैटर्न हमारा कैसे है पता है ना, शी शी। कभी कभी हमारा रीजन होता है ना, कि अभी जैसे इधर भी रीजन था कि ये दो चीजों के वजह से मैं यहाँ ये शॉप में हमेशा शॉपिंग करता हूँ, वो सेंस अगर रहेगा तो हम कारा यूज करते हो। जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल है कि क्वेश्चन में पूछते हैं हम तो शित
निहोन नो एनीमे का सुकी नान देस का, मतलब आपको जापानीज एनीमे क्यों पसंद है? व्हाई डू यू लाइक जापानीज एनीमे? तो अभी जैसे एनीमे क्यों अच्छा लगता है, तो इसमें एक ही रीजन नहीं होता है ना, दो तीन रीजन के लिए मुझे पसंद है। तो जब के लिए आता है, बिकॉज ऑफ दैट हम यूज करते हैं, तो हम हमारा कारा आता है। सो देखो कैसे आंसर दिया है, हानाशी मो ओमोशिरोइशी ओनगाकु मो सुकी दे स्कारा। देखो हानाशी मो, हनाशी मतलब स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, म्यूजिक भी क्या है पसंद है, इस वजह से है ना। इसी फोर्थ पैटर्न है हमारा सोरे दे, मीनिंग क्या है, यूज टू इंट्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ प्रीवियसली मेंशन स्टेटमेंट, दिस कैन बी अ बिकॉज ऑफ दैट्स और दैट्स व्हाई, है ना। वहां हम सोरे दे ऐसे यूज करते हैं। जैसे देखो एक सेंटेंस है यहाँ, कोकोवा कोही मो ओमोशिरो इशी शोकुजी मो देकी रुशी, मतलब यहाँ कॉफी भी अच्छी है और मिल भी है, सोरे नी है ना, सोरे दे निनकी का अरुण देसने। अच्छा इस वजह से ये पॉपुलर, निनकी मतलब पॉपुलर, निनकी का मतलब होता है पॉपुलर, इसी वजह से ये दो चीजें है ना, कि कॉफी भी टेस्टी है और खाना भी अच्छा है, तो ये दो रीजन के वजह से ये पॉपुलर है। सो सोरे दे, गॉट इट, सोरे दे का मतलब है कुछ जो रीजन है उस चीज के वजह से ये यहाँ पॉपुलर है वैसा। सो लास्ट है हमारा तोकी प्लस पार्टिकल, तोकी मतलब टाइम बताना, इट इज कंपाउंड नाउन, इट कैन बी यूज विद अ पार्टिकल अपेंडेड टू तोकी नी मीन्स एट दैट टाइम। जैसे नाउन आया तो नो प्लस तोकी आता है, जैसे गक्सेई नो तोकी मतलब व्हेन आई वाज स्टूडेंट, स्टूडेंट के टाइम में ऐसे हम कहते हैं ना, तो वो कैसे होता है पास्ट टेंस वाला हो जाता है। वर्ब या एडजेक्टिव मतलब ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव प्लस तोकी। हाँ देखो उन्दो सुरु तोकी मतलब एक्सरसाइज के टाइम वैसे, बेनक्यो सुरु तोकी वा ओनगाकु ओ किकीमासेन। देखो बेनक्यो सुरु तोकी मतलब बेनक्यो मतलब पढ़ाई के टाइम में म्यूजिक नहीं सुनता हूँ, ओनगाकु ओ किकीमासेन। तोकी पार्टिकल ये भी बहुत इजी है और आसान सरल है टू अंडरस्टैंड, तोकी नी है ना। यस थैंक यू मीना सान, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा, ईशोनी गंबारू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ जो अपने फ्रेंड्स हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो जापनीज सीखना चाहते हैं, इनको ये लिंक जरूर शेयर करना। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, माता ने।